यहाँ तक हुआ क्लियर जो मैंने आपको बोला? मैंने आपको बोला एडसॉर्प्शन क्या होती है, व्हाट इज डिसॉर्प्शन एंड व्हाट इज सॉर्प्शन। फिर मैंने आपको बोला थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन, वहां पर मैंने आपको बोला डेल एच इज नेगेटिव, डेल एच इज नेगेटिव एंड डेल जी इज नेगेटिव इनिशियली बट एट इक्विलिब्रियम डेल जी इक्वल टू जीरो। फिर वहां पर हमने डिस्कस किया टेम्परेचर ऑफ एडसॉर्प्शन को, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है। वहां पर मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस एंड इन द बल्क, एक टर्म हमने डिफाइन किया सरफेस एक्सेस कंसेंट्रेशन। अगर वो पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव एडसॉर्प्शन कहलाता है, अगर उसका वैल्यू नेगेटिव आ गया नेगेटिव एडसॉर्प्शन कहलाता है। वो हमने डिस्कस किया एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन अपोजिट होते हैं। इन केस ऑफ एडसॉर्प्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव। देन इन केस ऑफ डिसॉर्प्शन इट विल बी डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, डेल एस का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिसॉर्प्शन इज अपोजिट ऑफ एडसॉर्प्शन। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ ली चार्लियर प्रिंसिपल। लेट अस स्टार्ट सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन जो आपके सिलेबस में है, उसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ये होता है हमारे पास एडसॉर्बेंट, ये सॉलिड है, यहां पर है एडसॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ये किस टाइप का है, इज इट फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। ऑन दैट बेस हमारे पास दो किस्म के एडसॉर्प्शन है। इट इज ऑन द बेस ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट, इट इज एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल एंड इट इज एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच ये फोर्स किस टाइप का है, ऑन दैट बेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, वही हम डिस्कस करेंगे। लिखो, पहला का नाम है इट इज कॉल्ड फिजिकल एडसॉर्प्शन, नाम लिखो फिजिकल एडसॉर्प्शन। ये आसान है, इंपॉर्टेंट है, कल एग्जाम में आएगा, ट्वेल्थ के एग्जाम में आएगा। दूसरे का नाम है केमिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन। बेटा इसका एक और नाम है फिजॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन। ये रोहित से याद, इधर से ये वर्ड कैल से यहां तक काटो, ये अगर हम ये काटेंगे ना, ये काटेंगे तो बनेगा फिजॉर्प्शन। इसका नाम क्या है, कैल से एड तक काटो, क्या बनेगा दूसरा नाम, केमिसॉर्प्शन। इट इज कॉल्ड केमिसॉर्प्शन। इसका एक और नाम है वैंडरवाल एडसॉर्प्शन, क्योंकि इसमें कौन सा फोर्स होता है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वैंडरवाल एडसॉर्प्शन। इसका नाम क्या है, लैंगमुर एडसॉर्प्शन, एक साइंटिस्ट था लैंगमुर। लैंगमुर एडसॉर्प्शन। इसका एक और नाम है एक्टिवेशन एडसॉर्प्शन, एक्टिवेशन, यहां पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है इसीलिए नाम है एक्टिवेशन एडसॉर्प्शन। नाम नोट करो, गणित का नाम पता सुन, क्लियर। पहला पॉइंट, जो ये मॉलिक्यूल होता है ये हमारे पास है एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट ये उसकी सरफेस है, यहां पर आ गए एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, ये मेहमान है, ये मेजबान है, घर वाला है और ये मेहमान है, इसने इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ऐसे ही कहा आओ चाय पियो खाना खाओ, तो इनके दरमियान कैसा फोर्स है, वीक वंडरवाल फोर्स। इस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन का नाम है वंडरवाल इंट्रैक्शन, दैट एडसॉर्प्शन वेयर देयर इज वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल एंड एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज फिजिकल एडसॉर्प्शन। इधर आ जाओ, अगर हम इसको मानेंगे मेजबान, ये है हमारे पास एडसॉर्बेंट, अब जो यहां पर ये एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल आ गए, मेहमान आ गए, ये इसी के नेचर के हैं, ये इनके साथ बनाएगा बॉन्ड बनाएगा, ये इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर बॉन्ड बनेगा, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड बनेगा,
यहां पर बनेगा केमिकल बॉन्ड, यहां पर बनेगा केमिकल बॉन्ड। याद रखना इट कैन बी आयनिक, इट कैन बी कोवेलेंट। जब हम आयरन पे रखेंगे हाइड्रोजन को, वहां पर हाइड्रेट बनते हैं मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। निकल को रखेंगे, हाइड्रोजन को रखेंगे निकल पे, वहां पर बनते हैं आयनिक इंट्रैक्शंस। ऐसे ही जब हम वैनेडियम पे रखेंगे ऑक्सीजन को, वहां पर बनता है केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है बेटा। ट्रांसजेंड मेटल पे जब हम रखेंगे ऑक्सीजन को या रखेंगे हाइड्रोजन को, वहां पर ये इंट्रैक्शन हो जाता है। कौन सी इंट्रैक्शन? केमिकल एडसॉर्प्शन, वहां पर केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अदरवाइज ना हमारे पास बनेंगे हाइड्राइड्स, ना बनेंगे हमारे पास ऑक्साइड्स। उनका काज है केमिकल एडसॉर्प्शन, क्लियर। इसका डेफिनेशन क्या है? दैट टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन वेयर देयर इज ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एंड एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज केमिकल एडसॉर्प्शन। इतना याद रखना है, यहां पर स्ट्रांग बॉन्ड होता है, यहां पर कमजोर बॉन्ड होता है। अब देख इसका नाम क्या था, इसका नाम है वी स्टैंड्स फॉर वेंडर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाल, वेंडर वाल बॉन्ड। इट इज वेंडर वाल इंटरेक्शन, इट इज वेरी वेरी वीक। पॉइंट नंबर टू लिखो, इसमें जो एनर्जी आएगी उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। लेकिन किसके लिए है? यह है फिजिकल के लिए, ये फिजिकल है। इसका वैल्यू आता है 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल। एक मोल एडसॉर्बेंट जब यहां बैठेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा इन टर्म्स ऑफ हीट? बॉन्ड बनेगा, हीट के फॉर्म में निकलेगा, सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी। ये एनर्जी कहां से आई? सरफेस से। सरफेस एनर्जी कम होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये वैल्यू इज बराबर 20 to 40 किलो जूल पर मोल एंट्रेंस में आता है, याद रखना है। इसका देखो स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, एक मोल मेहमान आ गए, मेजबान के साथ दोस्ती, कितनी एनर्जी जाए की इन द फॉर्म ऑफ हीट? उसका वैल्यू है डेल्टा एच, इट इज एडसॉर्प्शन। इसको लिखें एडीएस लिखेंगे, एडीएस स्टैंड फॉर एडसॉर्प्शन। प्रोसेस कौन है? केमिकल है, सी एच ई एम, कैम। इसका वैल्यू याद रखना है, एनसीईआरटी का वैल्यू याद रखना है हमें, वो है 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल, इतना होता है। चुजबनी याद था, नीट के लिए आएगा। इसमें ज्यादा एनर्जी निकलती है केमिकल में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, फिजिकल में कम निकलता है, बॉन्ड इज वीक। तीसरे पॉइंट में आ जाओ, अगर ये हमारे पास है एडसॉर्बेंट, अब मैं नहीं शो करूंगा, डब्बा मीनस एडसॉर्बेंट, यह कुछ एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल बाय फिजिकल बॉन्ड। अब इस पे एक और लेयर बन सकता है, उस पे एक और जाएगा तो क्या बनेगा? इट इज मल्टी लेयर इन नेचर, इट इज मल्टी लेयर्ड इन नेचर। यहां पर क्या होगा? बस एक ही बॉन्ड बनेगा, उसने जो यहां पर वैकेंसी फ्री थी उसको ऑक्यूपाई हो गया। अब जो ये एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल दूसरे के साथ फिजिकल बॉन्ड बनाएगा लेकिन केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसने अपना केमिकल बॉन्ड बनाया किसके साथ? एब्जॉर्बेंट के साथ। इसलिए मैं यहां पे ये कहूंगा इट इज ऑलवेज मोनोलेयर, एक ही लेयर बनेगा, या इसको हम लिख सकते हैं इट इज यूनियन मॉलिक्यूलर, या यूनियन यूनियन मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्मड। यहां पर एक ही लेयर फॉर्म हो जाएगी, मोनोलेयर इज फॉर्मड और यूनियन मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्मड, वो आप खुद लिखोगे, क्लियर। एक और पॉइंट लिखो, इट इज नॉन स्पेसिफिक, कहीं भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है और ये वाला स्पेसिफिक है। तभी हो जाएगा जब ये एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं इनसे बॉन्ड बनू तीन तब जाके ये नहीं होगा, इसलिए ये क्या है? स्पेसिफिक, ये खास खास जगहों पर होगा, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। यहां पर मेजबान को मेहमान की कदर करनी है तब जाके मेहमान उसके घर आएगा, यहां पर चलता है, ठीक है। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, चशी प्रसुम तेली चून घर, इतना चलिए वैसा है भाई में तूट घर, यहां पर चलेगा लेकिन वहां पर नहीं चलेगा, क्लियर सर। स्पेसिफिक असल पॉइंट, ये मतलब इट इज ए वैल्यूबल गेस्ट, दिस इज ऑर्डिनरी गेस्ट, क्लियर। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। अब देख यहां पर बॉन्ड कमजोर है, ये आप रिवर्स भी कर सकते हो, मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पर इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल एडसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर।
लेकिन जो केमिकल वाली है इट्स इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल, यही एक ही डायरेक्शन में होगा, बांड बन गया अब अपने आप वापस नहीं जाएगा, वही कहलाता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इन नेचर, याद रखना शासन इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। अब जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं वो दोनों इंपॉर्टेंट है, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी हमें नहीं चाहिए, आपको पता है काइनेटिक्स में मैंने पढ़ाया मॉलिक्यूलों को मिलना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, तब जाके वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, यहां पर कोई पंगा नहीं है, वंडरवाल बांड बनाना है वो एक फिजिकल बांड है, कमजोर बांड है, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहां पर आपको केमिकल बांड बनाना है, आयनिक बांड और कोवेलेंट बांड, उसके लिए मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी मिलनी चाहिए, वो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, इसलिए हमें यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है, यही वजह है, इसका एक और नाम है एक्टिवेशन एडसॉर्प्शन। देखो एक्टिवेशन ऐसे लिखो, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हमारे पास रिक्वायर है हाई एक्टिवेशन एनर्जी, सो दैट मॉलिक्यूल्स विल अटेन हाई एनर्जी एंड दे विल क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स, वो बैरियर जो होता है ना एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और बैरियर को क्रॉस करेंगे, वो हमने पढ़ा है काइनेटिक्स में, कोई इतना स्ट्रक्चर जरूरत हाई एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट बॉन्ड इज फॉर्मड, यहां पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट करो। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट है वो जेई का पॉइंट है, देख बेटा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसको मैं लिखूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख कैसा है, क्योंकि बॉन्ड क्या फिजिकल बॉन्ड, मैंने कहा एडसॉर्प्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, बॉन्ड ही बना हुआ, लिखो इट इज फेवर्ड, याद रखना एट लो टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्या करना है आपको बॉन्ड बनाना है, उनको चाहे एक्टिवेशन एनर्जी, वो कहां से आएगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर विल गिव मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी, तब जाके वो बॉन्ड बनाएंगे, इसको लिखो इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। यहां पर देख क्वेश्चन कैसे आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब याद रखना क्वेश्चन ऐसे आएगा इट इज एक्स बाय एम, अभी पढ़ेंगे हम एक्स बाय एम, इसका नाम है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, यहां पर मैंने क्या काम किया इसको प्लॉट किया प्रेशर के साथ, प्रेशर के साथ प्रेशर मैंने राइज किया, यहां पर मैंने एक करो बनाई, इट इज सेकंड करो एंड इट इज थर्ड करो, क्लियर, ये करो ड्रा हुए, इस करो को मैंने ड्रा किया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसका नाम रखा मैंने T1, फॉर एग्जांपल ये करो जो ड्रा किया मैंने इसको किया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसका नाम है T2, मतलब ये आइसोथर्मस है, तीसरी करो को ड्रा किया मैंने टेम्परेचर T3 पे, मेरा क्वेश्चन है ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है, बताओ ये टेम्परेचर ज्यादा है ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ऐसे इधर आ जाओ, ये JEE का क्वेश्चन है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस P, अभी हम पढ़ेंगे ग्राफ, यहां पर भी तीन ग्राफ बनाओ, तीन, इसको ड्रा किया टेम्परेचर T1 पे, इसको ड्रा किया टेम्परेचर T2 पे, इसको ड्रा किया टेम्परेचर T3 पे, मेरा क्वेश्चन है कौन टेम्परेचर ज्यादा कौन कम, देख बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने क्या लिखा इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ये कम होगा, मतलब ये टेम्परेचर यहां पर एडजस्टमेंट क्या है, ऐसे देखो इसको कनेक्ट करो, यहां पर कम है इसको कनेक्ट करो थोड़ा ज्यादा है, यहां पर सबसे ज्यादा वन सा दिन में ये इतना से उसमें एडजस्टमेंट कम, मतलब दिस टेम्परेचर इज हाई, T1 इज हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई, मैंने कहा था इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, T3 विल बी लो, आपके पास ऑर्डर आ गया, बताओ ऑर्डर क्या होगा फिर, कौन टेम्परेचर कम कौन ज्यादा, T3 से ज्यादा T2 सबसे ज्यादा टेम्परेचर T1 होगा, JEE का क्वेश्चन है, समझ आवा, इस लाइन से मैंने डिसाइड किया, इसको देख इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, पहले कनेक्ट कर, ये है
इस टेम्परेचर पे इतना है वैल्यू, इसको देख और इसको देख, बता बेटा कहां पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, जहां इट इज फेवर्ड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होना चाहिए, मतलब यहां पर ज्यादा है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब टी थ्री इज हाई टेम्परेचर, इट इज हाई टेम्परेचर, प्लस टी वन विल बी लो टेम्परेचर, बता दो ऑर्डर क्या आएगा इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन, यहां पर इसका रिवर्स आएगा, इट विल बी टी वन इज लो, इससे ज्यादा टी टू, सबसे ज्यादा टी थ्री, ये ऑर्डर याद रखो नीट में आएगा, नोट करो। क्लियर हो बेटा, यह हुआ समझ, इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, फिर मैंने कहा लो टेम्परेचर भी ओसमो के लिए, अगर टेम्परेचर लो है ये मतलब लो टेम्परेचर, तब जाके एक्स बाय एम का वैल्यू ज्यादा आएगा, कोई को फेवर है लो टेम्परेचर, टी थ्री इज अ लो टेम्परेचर, इट अगर टेम्परेचर पर हाई कर तेल गए कम फेवर, मतलब टी वन इज अ हाई टेम्परेचर, इसीलिए वहां पर एक्स बाय एम का वैल्यू कम है, रिवर्स इसका रिवर्स ये है, जेई में आता है नीट में आएगा, असल बट कर जी अंडरस्टैंड। देख बेटा यहां पर एक और पॉइंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी फिजिकल एब्जॉर्प्शन, यहां पर ये एब्जॉर्बेंट है और यहां पर एब्जॉर्बेट आ गया, ये एब्जॉर्बेट अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करेगा, ये कोई सरफेस प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये भी ये आएगा और बैठेगा बस, नो सरफेस अडक्टिव फॉर्मड, लेकिन जब केमिकल बॉन्ड बनेगा ऐसे देख, ये था एब्जॉर्बेंट, ये एब्जॉर्बेट था, ये इधर आ गया, मे बी इसका ऐसा बनेगा शेप, इसकी शेप चेंज, इन मोनो अ सरफेस प्रोडक्ट, इन दिस केस सरफेस अडक्ट सर फॉर्मड, इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन सरफेस अडक्ट सर फॉर्मड, वाइल एज इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन नो सरफेस प्रोडक्ट्स आर अडक्ट सर फॉर्मड, नोट करो। यू गॉट क्लियर, दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अभी मैं फिर से दिखाता हूं, ये हुआ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, आप एनसीईआरटी बुक से भी ये पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में आएगा, नीट में भी क्वेश्चन आएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन का, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन का वैल्यू ओवर ग्राफ्स, ये इंपॉर्टेंट है, और किस टेम्परेचर पे कौन फेवर होता है, ठीक है। टॉपिक का नाम लिखो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, टॉपिक का नाम लिखो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है इसमें जरूरत पूछ सको, उसके अगर जब होना ये मेरे पास है एब्जॉर्बेंट, इस पे होंगे यहां पर एक्टोसाइट्स, आपको पता है सरफेस पे क्या होते हैं एक्टोसाइट्स, सब एक्टोसाइट को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्लियर, एक्टोसाइट्स इसको मैंने ऐसे शो किया, ये सरफेस अंदर वाला बल्क सरफेस पे है एक्टोसाइट्स, उनको कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया एक यूनिट एरिया, हमने एब्जॉर्बेंट का एक यूनिट एरिया सिलेक्ट किया, उस पे हमने देखा कितने एक्टोसाइट्स है, हमने फिर कहा जितना एब्जॉर्प्शन यहां पर होगा उसी हिसाब से बाकी एरिया पे भी ऐसे ही होगा एब्जॉर्प्शन, हमने एक खास एरिया को सिलेक्ट किया, वहां पर डिसाइड किया अगर इस एरिया में ज्यादा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो सारे एरिया में होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा, अगर इस एरिया में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है तो सारे एरिया में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, इट इज जस्ट लाइक रेट कॉन्स्टेंट ऑफ काइनेटिक्स, रेट कॉन्स्टेंट से आपको आइडिया मिलता था रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है क्या स्लो है, ऐसे ही आपको एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आइडिया मिलेगा, व्हाट इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मोर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, इफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लेस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लेस, देख बेटा क्या है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या इट इज रेशियो ऑफ एक्स बाय एम, बस इतना है, वायर एक्स स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ ये यूनिट मास है एडजॉर्बेंट, बस व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्बेशन, सर इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट टू मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट में कितना एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं उससे आपको आइडिया मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस क्लॉथ, ये है एब्जॉर्बेंट, मुझे देखना है इस पर कितना है एब्जॉर्प्शन, मैं इसका यूनिट मास सिलेक्ट करूंगा एक कोना, इस कोने पे मैं देखूंगा कितना है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन,
अगर ज्यादा होगा तो मैं ये कहूंगा इस सारे एरिया पे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये जो यूनिट मास है ये कौन सा बात, मैं इसका एक कॉर्नर कट करूंगा, उसका जो यूनिट मास है वो एम रिप्रेजेंट करता है, जो ये इंक यहां पर बैठी है इंक वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एडसॉर्बेट, वही है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, वो आइडिया देगा आपको रेट ऑफ एडसॉर्प्शन के बारे में। ये है एक्सप्लेन, क्लियर, इसको हम नहीं लिखेंगे, बस इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट टू मास ऑफ एडसॉर्बेट, इट इज लाइक रेट कॉन्स्टेंट ऑफ काइनेटिक्स, इट गिव्स आइडिया अबाउट रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, हायर द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन हायर विल बी द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, लोअर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन लोअर विल बी रेट ऑफ एडसॉर्प्शन। नोट करो, ये हो गया एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। अब देख इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, अब ग्राफ पढ़ेंगे हम। देख बेटा, एक्स बाय एम इट इज अ फंक्शन ऑफ, याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एडसॉर्बेट डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, इन चार पे ही डिपेंड करता है। रेट ऑफ एडसॉर्प्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, इट इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देख बेटा, पहला पॉइंट हम लिखेंगे ऐसे एक्स बाय एम, मैंने भी लिखा इट इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, इट इज नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। दूसरा क्या था, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, नेचर ऑफ ये लिखो वो, इसको नोट करो, टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैं अभी पढ़ाऊंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट, लेकिन उससे पहले हम खत्म करेंगे नेचर ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। देख क्या है, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट शॉर्टस मोस्ट याद थाउन, ये छ बेसिकली गैस, एडसॉर्बेट इज गैस, गैस जो पोलर होगा, पोलर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनिया SO2 पोलर गैसेस, इनका वंडरवाल कांस्टेंट ए ज्यादा होता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वंडरवाल कांस्टेंट ए ज्यादा होगा, उसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका एक्स बाय एम ज्यादा होगा। समझ आवा, पोलर गैसेस शो मोर रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बिकॉज पोलर गैस हैव हाई वैल्यू ऑफ ए वंडरवाल कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर, इवन त्रेशवनी गैसन चा सन हाई वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, दे आर इजी टू लिक्विफाई, इन बनान जल्दी पानस लिक्विड, ठीक है। ऐसी अगर गैस होगा नॉन पोलर उसका दूसरा नाम क्या है, परमानेंट गैस लाइक हाइड्रोजन नाइट्रोजन O2, इनमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं वंडरवाल कांस्टेंट बी, जिसका बी ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो शो करेगा एक्स बाय एम ज्यादा वैल्यू, उसका एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। यहां पर कंक्लूजन ये है, पोलर गैसेस आर मोर एडसॉर्ब्ड देन नॉन पोलर गैसेस बिकॉज इन केस ऑफ पोलर गैसेस वी हैव मोर वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इन केस ऑफ नॉन पोलर गैसेस वी हैव लेस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अगर मैं सवाल करा भाई, यहां पर हीलियम है, नियान है, क्रिप्टॉन है और ज़ीनान है, ऐसे मैंने चार बना दिए, बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा एडसॉर्प्शन, ज़ीनान का होगा बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, जब साइज बढ़ेगा क्रिटिकल कांस्टेंट बी का वैल्यू बढ़ेगा, जब बी का वैल्यू बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, गो ज़ीनान हाई ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एज कंपेयर टू हीलियम मॉलिक्यूल, क्लियर। कंक्लूजन ये है, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट में आप देखो गैस पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर गैसेस आर मोर एडसॉर्ब्ड एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस, कहानी खत्म, नोट करो। अब आ जाओ नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, बताओ बेटा क्या एडसॉर्बेंट में क्या होता है, एक्टिव साइट, अगर जब होने ये लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है उसको हम ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, बताओ फिर उनको बर्न करेंगे, किसको जलाना आसान है,
छोटे पीसों को जलाना आसान है क्योंकि वहां पर एक्टिव साइट्स ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इन पाउडर फॉर्म। फाइन स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड इन बल्क स्टेट बिकॉज इन फाइन स्टेट एक्टिव साइट्स आर मोर। यहां पर हम यही लिखेंगे नेचर ऑफ एडसॉर्प्शन में ऐसा लिखो इन पाउडर स्टेट पाउडर्ड स्टेट रेट ऑफ एडसॉर्प्शन will be more because reason kya hai because number of active sites will be more। इसीलिए छोटे pieces को burn करना आसान है as compared to burn big log of wood। जो adsorbent powder state में होगा अगर हम किसी जगह हमें मॉइस्चर किसी जगह पे है वहां पर पाउडर वहां ये भेजो सिल्का जल पाउडर फॉर्म है एक सेकंड में उसको एब्जॉर्ब करेगा ठीक है। ऐसे ही हर कमरे में बहुत ज्यादा गैस है वहां पर आप रखो चारकोल को ठीक है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर पाउडर फॉर्म में आपने रखा चारकोल को जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर आपने बल्क फॉर्म में रखा चारकोल को टाइम लगेगा एब्जॉर्ब के लिए क्योंकि पाउडर फॉर्म में एक्टिव साइट ज्यादा होते हैं रेजिडुअल फोर्सेस ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल जल्दी रिटेन होंगे और वो ज्यादा एक्युमुलेट होंगे ऑन सरफेस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। यही पॉइंट है इन केस ऑफ नेचर ऑफ एब्जॉर्बमेंट इन पाउडर स्टेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी मोर बिकॉज नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स विल बी मोर। नोट करो आ जाओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैं क्या हूं जो है एक्स में एम है ये डिपेंड करता है किस पे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट और डिपेंड करता है प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। मुझे अब देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो मुझे क्या रखना है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। पहला पॉइंट यहां पर यह लिखना है टी इज कैप्ट कॉन्स्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे बताओ ग्राफ का नाम क्या पड़ेगा ग्राफ का नाम पड़ेगा आइसो थर्म बिकॉज दे आर ड्रॉन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उनका नाम पड़ेगा एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ग्राफ का नाम पड़ेगा एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देख अगर ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है याद रखना बहुत आसान है फिजिकल एडसॉर्प्शन और यह है केमिकल एडसॉर्प्शन। यहां पर जब उन्होंने क्या किया ये है एडसॉर्बेंट इस पे गैस को एडसॉर्ब किया प्रेशर को इंक्रीज किया ठीक है क्या हुआ ऐसे ग्राफ आया एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस इट इज वर्सेस प्रेशर ये जीरो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऐसे हुआ ऐसे फिर यहां से कांस्टेंट मतलब पहले ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया यहां तक जैसे यहां पहुंचे तो पूरा एक्टिव साइट्स जो हमारे पास जो एब्जॉर्बेंट है उसके पास हो गए एक्टिव साइट्स। जब गैस आ गया वो बैठ गया एक इधर बैठा इधर इधर जितना प्रेशर बढ़ गया एक टाइम आ गया सारे एक्टिव साइट्स बंद हो गए ये इतना गए सारे एक्टिव साइट्स बंद। इस प्रेशर का नाम पड़ेगा ये है पी इसका नाम पड़ेगा सैचुरेशन प्रेशर और स्टेज का सैचुरेशन स्टेज। बस एग्जाम्पल याद इस पर था अगर कमरा आख कमरस मन पंच कुर्सी स्टूडेंट्स आ गए उनको मैंने धक्का मारा जल्दी जाओ अंदर पहला पहले जल्दी लोग बैठेंगे बच्चे जल्दी बैठेंगे क्योंकि सारा एक्टिव साइट्स ओपन है। एक टाइम आएगा जब ये सारे सीट्स ऑक्यूपाई हो गए बाहर बहुत सारे लड़के अब मैं कह रहा हूं जाओ अंदर अब मेरे प्रेशर इंक्रीज करने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पर सारे कुर्सी एक्युमुलेट हो गए वो ऑक्यूपाई हो गए वही मैं कह रहा हूं प्रेशर इंक्रीज करने से एक्सटर्नल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा अप टू सडन टाइम अप टू सडन प्रेशर उस प्रेशर का नाम पड़ेगा सैचुरेशन प्रेशर जहां पर सारे एक्टिव साइट्स बंद हो गए। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे ग्राफ चलेगा। इस कर्व का नाम है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म यह है किसके लिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल के लिए भी ऐसे ही आ गया वहां पर भी सेम टू सेम रीजन एक्स बाई एम को प्लॉट करो विद प्रेशर बताओ बेटा कैसे आएगा ऐसे फिर जाएगा पार्लर क्लियर। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको शो किया वहां से मैंने ग्राफ डाले ऐसे ऐसे कर्व्स फिर केमिकल में भी डाले ऐसे और ऐसे वहां पर मैंने आपको बोला आइडेंटिफाई करो कौन टेम्परेचर कम कौन ज्यादा। मैंने आपको ये कहा फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर जो करो ऊपर जाएगी
वहां पर टेम्परेचर कम होगा। इन केस ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, जो करो ऊपर जाएगी वहां टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, वो इच्छाउन यार यस करो ह्योर का इस्तेमाल टेम्परेचर कम, इच्छाउन यार यस करो ह्योर का इस्तेमाल टेम्परेचर ज्यादा नीट में आएगा। इस पॉइंट का नाम है जहां पर जहां इसके बाद ये रहेगा कांस्टेंट। अगर आप देखोगे ये टच करेगा इधर आप चेंज नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से चेंज नहीं होगा। इसका नाम पड़ेगा सैचुरेशन स्टेज, यहां पर सैचुरेशन हो गया, ऑल एक्टोसाइट्स आर ऑक्यूपाइड, एंट्रेंस में पॉइंट आएगा। व्हाट डज सैचुरेशन स्टेज मीन? इट इज दैट स्टेज वेयर ऑल एक्टोसाइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। इस प्रेशर का नाम है सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर के बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा बेटा कांस्टेंट, क्योंकि सारे एक्टोसाइट्स एक्युमुलेट हो गए। मतलब कंक्लूजन ये है, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन का जो कर्व है, ग्राफ है, वो आइडेंटिकल है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। नोट करो, इसको हम बाद में फिर पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम है फ्रेडरिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। वहां पर मैं इसको तीन जोन बनाऊंगा, लो प्रेशर रीजन, इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन एंड हाई प्रेशर रीजन। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहां तक आप नोट करो। अब आ जाओ लास्ट पे। देख बेटा, अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप देखेंगे, जल्दी करो, यहां पर क्या P को कर दो कांस्टेंट, P इज कांस्टेंट, कर्व्स आर ड्रॉन एट कांस्टेंट प्रेशर, दे आर कॉल्ड एडसॉर्प्शन आइसोबार्स, आइसोबार। ये है फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन, ये है केमिकल एडसॉर्प्शन। बहुत आसान है, देख बेटा कर्व कैसे आएगा, बहुत आसान है। ये इतना सीवन कर्व छॉप कर याद था हूं, क्योंकि टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच बाउंड ब्रेक होगा, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीज। यहां से पुल करो ऐसे, फिर पार्ला लगाओ, क्योंकि 100% डिसॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल, सारे मॉलिक्यूल नहीं भागेंगे फ्रॉम सरफेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज होगी इन केस ऑफ फिजिकल। केमिकल में बोलो, वो मैंने आपको सिखाया, पहले इंक्रीज होगा बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स नीड एक्टिवेशन एनर्जी, फिर जाके डिक्रीज होगा, ग्वाइनर गैस इंक्रीज पर गैस डिक्रीज। दैट इज व्हाई एडसॉर्प्शन आइसोबार कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। इन केस ऑफ फिजिकल देयर इज लीनियर डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बट इन केस ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन फर्स्ट देयर इज इंक्रीज, यहां तक बाउंड बनेंगे, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन विल इंक्रीज, मगर ये टच नहीं करेगा क्योंकि सारे मॉलिक्यूल नहीं चले जाएंगे फ्रॉम सरफेस को। यह ग्राफ कर डिस्टिंग्विश कर फिजिकल।